रिलेशनल कैलकुलस, ये दो तरह का है, टपुल कैलकुलस, डोमेन कैलकुलस। टपुल मतलब रो, डोमेन मतलब कॉलम। टपुल कैलकुलस, एक टेबल देखो, सपोज स्टूडेंट टेबल है, उसमें नेम, रेशन नंबर एंड ब्रांच कॉलम है। क्वेश्चन, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सीएसई ब्रांच। देखो आंसर कैसे लिखा है, टी सच दैट, टी एलिमेंट ऑफ स्टूडेंट, टी बिलोंग्स टू स्टूडेंट, ये एंड सिंबल दे रहा है, देन टी ऑफ ब्रांच इज इक्वल टू सीएसई। तो इसी स्टाइल में हमको लिखना है। कंसिडर थ्री टेबल्स, स्टूडेंट, बुक, इशू। एवरी टेबल में जो भी कॉलम है वो यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ बुक रिटन बाय कॉर्थ। आंसर, टपल कैलकुलस में हम कैसे लिख रहे हैं, टी सच दैट, टी एलिमेंट ऑफ बुक एंड टी ऑफ ऑथर इज इक्वल टू कॉर्थ। क्वेश्चन, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ बुक इशूड बाय रेशन नंबर 154। मतलब रेशन नंबर 154 जो भी बुक इशू किया है वो बुक डिटेल्स डिस्प्ले करना है। इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि पहले हमको इशू टेबल जाना चाहिए, इशू टेबल से वो पर्टिकुलर रेशन नंबर का बुक आईडी पता करना है, एंड जो बुक आईडी हमको मिला है बुक टेबल में जाके वो बुक डिटेल्स हमको मिल जाएगा। तो दोनों टेबल से डाटा आ रहा है, इसीलिए दोनों टेबल को हम ज्वाइन करेंगे। लुक हियर, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, टी एलिमेंट ऑफ बुक एंड टी वन एलिमेंट ऑफ इशू। मतलब बुक और इशू टेबल दोनों टेबल से हमको डाटा चाहिए, एंड टी वन रेशन नंबर 154 होना चाहिए। टी वन मतलब इशू टेबल, वहां पे 154 रेशन नंबर होना चाहिए। एंड यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टी बुक आईडी इज इक्वल टू टी वन बुक आईडी। इसका मतलब है दोनों टेबल ज्वाइन हो रहा है इक्वल टू कंडीशन के बेसिस पे, टी मतलब बुक एंड टी वन मतलब इशू। दोनों में बुक आईडी कॉलम कॉमन है तो हम वो ज्वाइन कर रहे हैं बुक आईडी कॉलम के हिसाब से। लुक हियर, यहाँ पे बुक आईडी है, यहाँ पे भी बुक आईडी है, तो ज्वाइन कर दिया। एंड रेस्पेक्टिव जो भी डाटा मिला उसमें से 154 रेशन नंबर कंडीशन दिया है, सो वो वाला डाटा फिल्टर होके डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ बुक इशूड बाय तुसर। मतलब तुसर जो भी बुक इशू किया है उसका बुक नेम हमको डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टी बी नेम मतलब बुक नेम। सिंस बुक नेम ही डिस्प्ले करना है इसलिए टी बुक नेम लिखा है, सच दैट टी वन बिलोंग्स टू स्टूडेंट एंड टी वन का नेम क्या होना चाहिए, तुसर। अनदर वन टी टू, वो इशू टेबल से आएगा, एंड टी टू का रेशन नंबर टी वन का रेशन नंबर इक्वल टू होना चाहिए। सो पहले हमने क्या किया कि पहले हमने स्टूडेंट एंड इशू टेबल दोनों टेबल को ज्वाइन किया, क्योंकि स्टूडेंट टेबल में रेशन नंबर है एंड इशू टेबल में रेशन नंबर है। तो दोनों टेबल ज्वाइन किया जो यहां पे हो रहा है। नेक्स्ट हमको बुक आईडी के हिसाब से बुक टेबल एंड इशू टेबल दोनों टेबल में देखो बुक आईडी है, तो हमको बुक एंड इशू टेबल ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे देखो टी एंड टी टू मतलब बुक एंड इशू दोनों टेबल का बुक आईडी के हिसाब से ज्वाइन हो रहा है।